डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विद्युत विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत विभव। तो देखो, पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने द्विध्रुव के कारण विभव का जनरल फॉर्मूला निकाल लिया था। V इक्वल्स टू आया था अपना केपी कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है अपना जनरल द्विध्रुव के कारण विभव निकालने का। अब देखो, जैसे ही अपने को ये डायग्राम बनाया था वहां पर अपने, तो अक्ष पर अगर हम बात करें तो देखो, ये जनरल अपना जो डायग्राम ऐसे था, तो थीटा को अगर हम जीरो कर दें, देखो इस लाइन से ये लाइन थीटा एंगल बना रही है, अगर इसको हम जीरो कर दें तो ये ऐसे हो जाएगी। तो ये जो पी बिंदु है ये अक्ष पे पहुंच जाएगा, तो अक्ष के लिए थीटा की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 0 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में हम थीटा 0 रख देते हैं, तो ये अक्ष पर विभव निकल जाएगा वी अक्ष। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा वी अक्ष इक्वल्स टू के पी इंटू 1/r² तो ये हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो नहीं करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वी अक्ष हो जाएगा के पी बटे में आर स्क्वायर। मात्रक की अगर हम बात करें तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्ट लगा देंगे। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं केस सेकंड, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव। तो देखो, ये निरक्ष होता है द्विध्रुव का, तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो ये जो पी बिंदु है ये निरक्ष पर पहुंच जाएगा। तो निरक्ष के लिए हम थीटा की वैल्यू रखेंगे 90 डिग्री। तो देखो, इस फॉर्मूले में ये कोस थीटा होता था, इसकी जगह हम 90 रख देंगे, और कोस 90 का मान होता है 0, तो 0 गुणा कुछ भी ये सब निकल के आ जाता है 0। तो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वी निरक्ष, ये हो जाएगा अपना 0। क्लियर है? तो ये था अपना निरक्ष पर विद्युत विभव, और अभी हमने पढ़ा था अक्ष पर विद्युत विभव। तो ध्यान रखना, द्विध्रुव के निरक्ष पर जो विभव होता है वो हमेशा शून्य होता है। एक चीज और भी हमने पढ़ी थी, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, तो अक्ष विद्युत क्षेत्र होता था 2kP बटे में R³, और अक्ष पे होता था, सॉरी, निरक्ष पे होता था केपी बटे में R³। ये तो विद्युत क्षेत्र थे, विभव हमने पढ़ लिया है आज। अक्ष पे तो विभव होता है, विभव अक्ष पर, तो उसका फॉर्मूला होता है केपी बटे में R², और निरक्ष पर विभव होता है 0। तो चारों फॉर्मूले अपने को पता होने चाहिए द्विध्रुव के केस में, विद्युत क्षेत्र कितना होता है अक्ष पे, निरक्ष पर, और विद्युत विभव कितना होता है। अब हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। तो अगली जो वीडियो है उसमें हम अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना सीखेंगे। थैंक यू।